में उसके पास 8 पॉइंट मौजूद है। आई थिंक फिर इस गेंद को पुट किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। तीसरे नंबर पर वारी सुपर लीग में शामिल है। खतल टीम 8 पॉइंट्स के साथ अच्छी गेंद और इस बार गेंद की लाइन को मिस किया गया विकेट कीपर के पास। स्कोर 12 रन। तीसरे नंबर पर पल टीम, चौथे नंबर पर जोगाबंज ईगल की टीम, जबकि पांचवें नंबर पर कस्टार और छठे नंबर पर जोगाबंज पेंटर्स की टीम मौजूद है। वार्कर लेन के बेहतरीन वापसी की है। वारी सुपर लीग दूसरे एडिशन में 7वें नंबर पर मौजूद है। वाड़ी लाइंस जबकि 8वें 9वें 10वें नंबर पर पेंटर टीम है। शाहीन पेंटर्स वाड़ी, सुल्तान खेल सलमी और वाड़ी पेंटर और इस गेंद को कट किया पेस्टल ने पॉइंट बाउंड्री की जाने पर गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए 4 रन के लिए। राशि इस 4 रन के साथ मजबूत स्कोर 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान। अच्छी गेंद, स्टंप से बाहर बॉल, अंपायर का इशारा किए बाइट। वाइड गेंद और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। इस गेंद को लॉन्ग ऑन की फील्डर की जाने वो पर मिस फील्डिंग और गेंद आउट के बाहर चले गए 4 रन के लिए। इस 6 रन के साथ मजबूत स्कोर 24 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है और अभी तक दोनों ओपनिंग बल्लेबाज शाफेसल जो की टीम का कप्तान है और इरफान क्रीज पर मौजूद है, बेहतरीन तरीके से अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने में मशहूर था। इस बार गेंद को पुट किया है स्कोर ले बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। इस चक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 2 ओवर के बाद बगैर किसी विकेट पर। वारी सुपर लीग दूसरे एडिशन का ये 26वां मैच यहां पे जारी है। और अब एक बार फिर यासर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है कप्तान ने। किया है फोर बाउंड्री के ऊपर 6 रन। हेलो कुछ दुकान के लिए करना होगा से चाहिए। यहां सर एक बार फिर अच्छी गेंद की शॉर्ट अपलेन गेंद सदर से वो अबाल पर से मशहूर बोलेगा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहां पर
एक और शॉट फ्रेंड और इस बार अंपायर का इशारा कीजिए नो बॉल। अच्छी गेंद की दूसरा शॉट विकेट बॉल इस ओवर में और इस गेंद को पुल करने की कोशिश की, गेंद की लाइन को मिस किया। और अब क्रिकेट का सामना करेंगे इरफान करते हुए अंपायर को क्रॉस किया जा सकता है और इस गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से खेला छह रन के लिए। बेहतरीन शॉट यहां पर और यहां पर काफी बेहतरीन विकेट इरफान की सूरत में हासिल किया है वारी लाइन गेंदबाज यासर ने अपनी टीम के लिए। गेंद को पुल करने की कोशिश की, एज लगी है गेंद और वहां चौथे स्लीव पर मौजूद मोहसिन ने एक आसान सा कैच लेकर इरफान के इनिंग्स का खात्मा किया। 16 रन बनाने के बाद इरफान आउट होकर पवेलियन में वापस। तीसरे ओवर का खेल जारी है, मजबूत स्कोर 42 रन और अब इस्लाम से बल्लेबाजी करने के लिए आया है। पिछले मैचों में अपनी टीम के लिए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया था और मुसलसल दो मैचों में मैन ऑफ द मैच रही। पैसल जोके कप्तान है टीम का, सामना करेंगे यासर का। यासर दौड़ते हुए राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, अंपायर को क्रॉस किया, आए गेंद की फुल टॉस गए और इस गेंद को पैन लेकर जाने खेला है। वहां पर फील्डर मौजूद, दोनों बैट्समैनों ने आसानी के साथ दौड़कर एक रन हासिल किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 गेंद बाकी है इस ओवर में, मजबूत स्कोर 43 रन। तीसरे ओवर का आखिरी बॉल फेंकने के लिए यासर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। 15 की औसत से रन बनाए हैं अभी तक जोगाबंज पैंथर्स की बल्लेबाजों ने। दौड़ते हुए यासर ने अंपायर को क्रॉस किया, आए गेंद की अच्छी गेंद अगर गेंद अंपायर से काफी बाहर रही, अंपायर का इशारा किया वाइड। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। इस्लाम से का ताल्लुक सनराइज क्रिकेट क्लब वाड़ी से है और वाड़ी सुपर लीग दूसरे एडिशन में वो जोगाबंज पैंथर्स की नुमाइंदगी कर रहा है। बाउंड्री के ऊपर से और ये 6 रन और साथ ही तीसरे ओवर के आखिरी बॉल पर जोगाबंज पैंथर्स ने अपने 50 रन भी पूरे किए। 50 रन और यासर की ओवर में 21 रन आए, काफी बेहतरीन ओवर। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 23 रन बने और तीसरे ओवर में 21 रन बनाने में कामयाब रही जोगाबंज पैंथर्स के बल्लेबाज। वाड़ी सुपर लीग दूसरे एडिशन का अब डू और डाई मुकाबले शुरू हो रहे हैं क्योंकि यहां पर जो भी टीम हारेगा उसके लिए मुश्किल आते। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में पखरेवाड़ी के दो मायानाज खिलाड़ी मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद जिसका ताल्लुक ग्रीन क्रिकेट क्लब वाड़ी से ही मगर वाड़ी सुपर लीग दूसरे एडिशन में वो फख्र सुल्तान खील टीम का हिस्सा है और इसके साथ तो साजिद जो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वाड़ी का हिस्सा है और वाड़ी सुपर लीग दूसरे एडिशन में वो अच्छी गेंद थी। मैक्सिमम से बाहर अंपायर का इशारा किया वाइड। इसे रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। फख्र सुल्तान खेल जो कि वाड़ी सुपर लीग में दूसरे पोजीशन पर मौजूद है और पॉइंट के साथ यार कर लेंगे अच्छी गेंद की
समझने में कामयाब हुए। के साथ स्कोर करता हूं अम्बावन रन और यहां पर वारी लाइन्स में सुल्तान खेल सलवी तख्त सुल्तान खेल और कस्टार जैसे आसान टीमों यकीनन वो आसान टीमें नहीं है अगर जोगाबंज पेंटर्स की नस्बत उसकी टीमें ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और कल उसने 108 रन का एक बेहतरीन टोटल सेट किया था मगर कस्टार की बल्लेबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम है। काफी बेहतरीन अंदाज के साथ उसके बल्लेबाजों ने टारगेट को पूरा किया था। इस ओवर के साथ स्कोर करता हुआ 54 रन और इस गेंद को एक बार फिर शॉर्ट स्पर्ले की जानिब खेला है। वहां पर फील्डर मौजूद आसानी के साथ दौड़कर एक रन हासिल किया। इस एक रन के साथ स्कोर करता हुआ 55 रन। चौथे ओवर का खेल जारी है और यहाँ पर अगर इस एवरेज के साथ रन बना के एक बड़ा टारगेट सेट करता है तो वारी लाइन्स के लिए ये मुश्किल होगी ये टारगेट चेस करना और इस मैच में कप्तान को भी तब्दील किया है। लेग स्टंप से बाहर बॉल, अंपायर का इशारा किया वाइड बॉल और पवार जो थे हमेशा से वारी लाइन्स का कैप्टन रहे इस मैच में कप्तानी के बजाय वो आम खिलाड़ी की हैसियत से अपनी टीम में खेलते हुए नजर आ रहा है जबकि इस मैच में हयातुल्ला कैप्टन है जो कि काफी मायानाज और सीनियर खिलाड़ी है। जावेद आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर बॉल, अंपायर का इशारा कीजिए वाइड। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन एक विकेट के नुकसान पर 16 की एवरेज से यहां पर जोगाबंज पेंटर की बल्लेबाज रन बनाने में मसरूफ है। इस गेंद को पुल किया है लॉन्गर बाउंड्री की जानिब। वहां पर फील्डर मौजूद बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए दोनों बैट्समैनों को सिर्फ एक रन लेने तक महदूद रखा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। इस गेंद को पहले की जाने बेगन हासिल किया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। बोले बोले कैसे चल ले कट छो रहा हुआ चौकर कट किया इस गेंद को टर्नमेंट बाउंड्री के बाहर गेंद 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन एक विकेट के नुकसान पे। शॉट गेंद आउट होने का खतरा हो सकता है। गेंद फील्डर के पहुंचने से दूर दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर दो रन हासिल किए। इस दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। पांच ओवर का खेल जारी है। बॉल
बेहतरीन शॉट इस बार स्ट्रेट बाउंड्री की जानेब, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन एक विकेट के नुकसान पर पांच ओवर का खेल जारी है। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे जारी है जोगाबंज पैंथर्स के बल्लेबाजों की तरफ से। दौड़ते हुए मसूद ने अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के इस गेंद को उठा करके खेला है लॉन्ग ऑन पर जोगाबंज पैंथर्स के ड्रेसिंग रूम के ऊपर से 6 रन। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर जोगाबंज पैंथर्स के तमाम बल्लेबाजों की जानिब से आज काफी, और इस गेंद को एक बार फिर किया इस बार के स्टीलिंग बाउंड्री के ऊपर एक और छक्का, बेहतरीन शॉट और इस बार भी ये गेंद इस्लाम जेब के पल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का। फिर क्या इस गेम को इस बार की लॉन्ग ऑन की फील्डर की तरफ एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3-3 और इस गेम को फिर किया है गेम लॉन्ग ऑन एक बार फिर एक और बेहतरीन शॉट और इस बार स्टेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन इस्लाम जेब के पल्ले से निकलता हुआ ये पांचवा छक्का। इस छक्के के साथ वो 38 रन पे पहुंच गए। काफी दबाव का शिकार है यहां पर वाड़ी लाइन और इसकी गेंदबाज के बाजू की ना किस तरह कर देखी जा रही है। हेलो हेलो भाई अंदाज के साथ इस गेंद को स्लिप और वहां पर मिसफील्डिंग हुई एक रन और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बैट्समैन और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। इस 2 रन के साथ इस्लाम जेब का इंफरादी स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, मजमू स्कोर 106 रन 33 रन बनाकर शाफेजल, जबकि 47 रन बनाकर इस्लाम जेब क्रीज पर मौजूद। नौमान किस गेंद को कट किया है एरिया
आए थे फर्स्ट गेंद थी गेंद को पॉइंट की तरफ खेला दो रन देने के बाद पर दोनों बैट्समैनों को इस दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124 रन हुआ। बेहतरीन टारगेट की तरफ और पहले ही इस आजम का इजहार किया था जोहाबंज पैंथर्स के कप्तान ने कि टॉस जीत कर पहले खुद बैटिंग करने के बाद 120 से प्लस का टारगेट देना चाहेंगे और इसमें किसी बहुत ज्यादा हद तक कामयाब हो गए। अच्छी गेंद और इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं है दोनों बैट्समैनों के पास। एक और बेहतरीन गेंद और इसी के साथ सिर्फ 6 रन के साथ ही ओवर अपने अख्तिताम तक पहुंच गए। स्कोर 124 रन। अदनान योपाती वापस आवा क्या इनिंग्स में 10-10 मिनट वक्त ही दिन द पारा मिस द टेस्ट पे जेम इनिंग शुरू की। नौमान ताहिर नौजवान खिलाड़ी और इस गेंद को फिर किया है पेन बाउंड्री के ऊपर एक और बेहतरीन छक्का इस्लाम सेब के बल्ले से। इस छक्के के साथ स्कोर पर एक और अच्छी गेंद इस बार पेट से लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के पास। बोल किया है इस बार गेंद कोर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। एक रन लेना मुश्किल नहीं था मगर इस्लाम सिंह जो के सीट बैट्समैन है 136 रन। इस इनिंग्स का आखिरी बॉल फेंकने के लिए नौमान ने अंपायर को क्रॉस किया आई गेंद की और इस गेंद को पुल किया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन और इस छक्के के साथ जोहाबंज पैंथर्स के 150 रन पूरे हुए।